हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, टीआईएफआर के लिए, जेस्ट के लिए, आईएसआई कोलकाता के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एकेडमिक्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हमारे जो नए बैचेस हैं ये 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए और सीएसआईआर के लिए। आप इन बैचेस पे, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप ज़्यादा डिटेल पा सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भोपाल के लिए और रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे। तो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, इसमें आपको पहले क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं ये प्रोपोर्शनल लॉजिक है। प्रोपोर्शनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, सेकेंड ऑर्डर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रेडिकेट लॉजिक। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शनल लॉजिक से। ठीक है, इसमें आपको पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन किसे कहते हैं। प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट, ठीक है, तो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट किसको बोलेंगे, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसका वैल्यू या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो आप अगर इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे, ए प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस sentence which is either true or false but not both। ठीक है, आप कह सकते हैं आप proposition उसे बोलेंगे जिसकी value या तो true हो, जो या true हो या false। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, सपोज द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, दूसरा लिखते हैं भोपाल इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरा लिखते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ योर कार। ठीक है, 2 + 3 = 5। अब देखिए, अगर आपसे ये बोला जाए द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रू या फॉल्स। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रू है, बोलेंगे ट्रू। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये तो फॉल्स है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर कार, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये ट्रू या फॉल्स में नहीं हो सकता। आप यहां बोल सकते हैं व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लैक, वट एवर इट इज, लेकिन ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते। तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, जबकि ये द सन राइजेस इन द ईस्ट, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये दोनों प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कहलाएंगे। ठीक है ना। नाउ अगला, 2 + 3 = 5, ये भी सही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट किसे कहते हैं। अब मान लीजिए एक प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट दे आर मतलब सेम ही चीज है, तो हम लोग प्रोपोजिशन बोलेंगे या स्टेटमेंट बोलेंगे तो आप एक ही कंसिडर करेंगे। सपोज एक प्रोपोजिशन है पी और दूसरा एक प्रोपोजिशन है सपोज क्यू, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। नाउ अगर ये अकेले अकेले है तो इनको हम बोलेंगे सिंपल प्रोपोजिशन। क्या बोलेंगे? सिंपल सिंपल प्रोपोजिशन। बट वी हैव कनेक्टिव्स टू कंबाइन दिस प्रोपोजिशन। हमारे पास कनेक्टिव्स है, तो कौन कौन से हैं? तो पहला कनेक्टिव है, हालांकि नेगेशन को स्ट्रिक्टली तो कनेक्टिव नहीं लेते हैं, लेकिन आप यहां ले सकते हैं ये नेगेशन के लिए, नॉट के लिए। ये है आपका, इसको पढ़ते हैं डिसजंक्शन, इसको पढ़ते हैं कंजंक्शन, इसको पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन, और इसको पढ़ते हैं बाई इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो ये कनेक्टिव्स है, कनेक्टिव का मतलब है इसको यूज करके आप सिंपल जो प्रोपोजिशन है उसको कंपाउंड प्रोपोजिशन में चेंज कर सकते हैं। अगर पी अकेला है तो इसे बोलेंगे सिंपल प्रोपोजिशन, लेकिन अगर पी डिसजंक्शन क्यू है तो ये हमारा हो गया कंपाउंड प्रोपोजिशन। अच्छा, यहाँ डिसजंक्शन को लेके टेंशन नहीं लेना है, ये डिसजंक्शन वही है जो डिजिटल में और होता है। यहाँ पे इसको आप क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। ठीक है, और ये वही है जो डिजिटल में एंड होता है, और इसको यहां क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ये जो है ये है इम्प्लीकेशन, और ये ठीक इफ देन की तरह है, और ये है बाई इम्प्लीकेशन। बाई इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो जिस तरह से डिजिटल में इन सब की ट्रुथ वैल्यू होती थी और आप निकालते थे ट्रुथ टेबल से, तो आप यहां भी इनकी वैल्यू निकालेंगे ट्रुथ टेबल से, ठीक है। तो सबसे पहले आप सपोज ये पी है, ठीक है, तो अगर इसका हम नेगेशन लिखे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, आप इसको नहीं देंगे, ये बाई इम्प्लीकेशन का साइन हो जाएगा। पी है अगर, तो उसको लिखेंगे नॉट पी, नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। अब अगर ट्रूथ टेबल बनाए तो क्या होगा? पी प्रोपोजिशन है और यहां लिखते हैं नेगेशन ऑफ पी। अगर ये ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ये ठीक नॉट की तरह है डिजिटल, ठीक है। नाउ जो दूसरा प्रोपोजिशन था वो क्या था आपका? वो था डिसजंक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? जैसे ये पी है और ये हमारा क्यू है, तो आप लिखेंगे पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। नाउ इसके कितने वैल्यू होंगे ट्रुथ टेबल में? तो देखिए डिजिटल में हम लोग जानते थे अगर दो वेरिएबल है तो कितने वैल्यू होते थे? 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 से लेके 3 तक बाइनरी फॉर्म। तो यहाँ 0 के लिए आप फॉल्स लिख दीजिए और 1 के लिए ट्रू लिख दीजिए। तो फॉल्स 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 ट्रू, इससे क्या होगा ना, कोई वैल्यू छूटेगा नहीं। अदरवाइज आप एट रैंडम पिक करेंगे लिखेंगे तो कुछ वैल्यू छूटने के चांसेस है, दो वेरिएबल तो नहीं, तीन वाले में छूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे ट्रू फॉल्स और इसमें लिखेंगे ट्रू ट्रू। देखिए अगर मैं इसे रिप्लेस करूं 1 0 से तो ये है हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? और मैं एक भी प्रोपोजिशन, एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू तो ट्रू, तो ये तो दोनों ही फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसमें एक ट्रू है,
तो ट्रू, इसमें भी एक ट्रू है तो ट्रू, और इसमें दोनों ही ट्रू है तो भी ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा डिसजंक्शन का हो गया। नाउ सेम अगर कंजंक्शन का लेते, कंजंक्शन क्या होता है, वो एंड की तरह होता है, पी कंजंक्शन क्यू। तो देखिए एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, जैसे एंड गेट आप डिजिटल में देखते थे कुछ इस तरह से, इसमें एक भी जीरो होता था तो ये वन भी हो तो क्या कर लेगा, वो आउटपुट तो जीरो ही आना है। उसी तरह से यहां पे एक भी फॉल्स तो फॉल्स, पहली बार में तो दोनों ही फॉल्स है, तो ये हो गया फॉल्स, अगेन फॉल्स क्योंकि एक फॉल्स है। हम लोग इस वैल्यू को नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये फाइनल इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। नाउ टी और एफ एक फॉल्स है इसमें तो फॉल्स, इसमें दोनों ही ट्रू है तो आप इसमें लिखेंगे ट्रू। तो ये जो ट्रुथ टेबल हो गया ये किसका है, ये कंजंक्शन का है। तो डिसजंक्शन और कंजंक्शन इन दोनों को निकालना रिलेटिवली इजी है। अब हम लोग आएंगे इम्प्लीकेशन में। तो इम्प्लीकेशन का मतलब है पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसे ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा बाकियों से अलग हो जाता है, तो इसे हम थोड़ा अलग करते हैं क्योंकि इसी में दिक्कत होती है। अगर हम लोग बाई इम्प्लीकेशन लिखते हैं यहाँ पे, पी इम्प्लीकेशन क्यू को हम थोड़ा बाद में करेंगे, अभी यहाँ लिखते हैं पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू। तो ये भी आसान है याद रखना, इसमें अगर दोनों वैल्यू सेम हो, जैसे पी और क्यू दोनों ही एफ एफ है और पी और क्यू लास्ट में दोनों में ही टी टी है, ट्रू ट्रू, तब इन दोनों ही केसेस में ये ट्रू होगा, अदरवाइज एक भी मिसमैच करे तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये अलग क्यों है ये देखिए, तो ये याद रखना बहुत आसान है, दोनों सेम रहे तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब सपोज ये पी है और ये हमारा क्यू है, और यहां आप लिख रहे हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू। नाउ अभी हमने कहा था इसका मतलब होता है इफ देन। तो सपोज हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसा, इफ आई क्वालिफाई फॉर जे आर एफ देन आई विल गिव यू अ पार्टी, ठीक है, टी पार्टी गिव यू। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये दो चीजों से जुड़ा हुआ है, पहला है इफ जो कि यहां तक का हिस्सा है, ठीक है, और उसके बाद है देन जो कि इधर का हिस्सा है। अब खुद आप सोचिए, मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये हो सकता है पहला एफ और दूसरा भी एफ, हो सकता है ये पहला एफ ये टी, हो सकता है ये टी ये एफ, हो सकता है ये टी और ये भी टी। इन चारों के अलावा आपको कोई वैल्यू मिलने नहीं जा रही, ठीक है। तो हम लोग इसे यहां लिखते हैं ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स ये ट्रू ये फॉल्स और ये ट्रू और ये भी ट्रू, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मेरा कहना है आई क्वालिफाई फॉर जे आर एफ देन आई विल गिव यू पार्टी, और मेरा जे आर एफ में नहीं हुआ, ये चीज फॉल्स है। तो अगर मैं आपको पार्टी नहीं दूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे, अब बोले नहीं आपने तो कहा था कि जे आर एफ होगा तभी पार्टी देंगे, तो मेरा जो है मेरी बात सही है, उसमें कोई जो चीटिंग टाइप का चीज है वो एलिमेंट नहीं है, तो आप बोलेंगे यह ट्रू, ठीक है। दूसरा मेरा जे आर एफ तो नहीं हुआ लेकिन मैं आपसे किसी बात पे खुश था तो बोला चलो भाई पार्टी ले लो भले ही मेरा जे आर एफ नहीं हुआ। अगेन इसमें भी जो हमारा सेंटेंस था
उसके ट्रूथफुलनेस पे कोई फर्क नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे कि चलो ये भी ट्रू है। अब आखिरी वाला देखते हैं, पहले ये छोड़ दीजिए, वही एक कंडीशन है जिसमें वो फॉल्स होता है। मेरा जेआरएफ में हो गया और मैंने आपको पार्टी भी दे दी, तो आप बोलेंगे यहां भी सही है, ट्रू। अब ये देखिए, ये क्या कहता है, जो इफ वाला पार्ट है, इफ आई क्वालिफाई जेआरएफ, तो मेरा जेआरएफ में तो हो गया लेकिन बाद में मैं मुकर गया, बोलो नहीं नहीं पार्टी वार्टी नहीं मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ना कि चीटिंग किया मेरे साथ, जो तुम्हारी बात है वो सही नहीं है। तो अगर इफ वाला पोर्शन ट्रू हो और देन वाला पोर्शन फॉल्स हो, उसी केस में ये फॉल्स होगा, अदरवाइज हर एक केस में ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये इम्प्लीकेशन का आपका ट्रुथ टेबल हो गया। तो देखिए हमने ये चारों, कौन कौन सा, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, बाय इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशन, ये सब कुछ बना लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, आगे आते हैं और बोलते हैं कुछ टर्म्स जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए हुए। सपोज अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये दो लिखे या सिंगल लाइन लिखे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये दोनों सेम ही है। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछा है कि इसका कन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो पी इम्प्लीकेशन क्यू का जो कन्वर्स है वो हो जाएगा क्यू इम्प्लीकेशन पी। ठीक है, याद रहेगा आपको, पी इम्प्लीकेशन क्यू का जो कन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लीकेशन पी। एक नेट के एग्जाम में काफी कई बार पूछा गया है सवाल, ठीक है, और सिंपली ऐसा ही पूछा है पी इम्प्लीकेशन क्यू का कन्वर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, क्यू इम्प्लीकेशन पी। दूसरा उन्होंने पूछा है कि पी इम्प्लीकेशन क्यू का कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, ठीक है, ये पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, याद रख लेना है बस इसको। तो आप बोलेंगे पी इम्प्लीकेशन क्यू का जो कंट्रा पॉजिटिव है वो होगा नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कन्वर्स क्या होगा और कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा। ठीक है, नाउ अब आगे आते हैं और कुछ टर्म्स को देखते हैं जो हमारे लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला ये है, सबसे पहले आपको देखना है कि किसी कंपाउंड सेंटेंस स्टेटमेंट को, कंपाउंड प्रोपोजिशन को आप टॉटोलॉजी कब बोलते हैं, आप उसे कंट्राडिक्शन कब बोलते हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन को कभी कभी एब्सर्डिटी या फैलेसी भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो है कंट्राडिक्शन। ठीक है, फिर इसे आप कंटीजेंसी कब बोलेंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमने एक छोटा सा, हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, पी डिसजंक्शन नॉट पी। अब अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं ना, मान लीजिए आप इसको पी को फॉल्स भी रखेंगे तो ये जो नेगेशन ऑफ पी है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और फॉल्स और ट्रू का आप डिसजंक्शन करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। उसी तरह से अगर आप इसे ट्रू मानते तो ये तो एक ट्रू ऑलरेडी मिल गया, ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स, तो अगेन इसमें एक ट्रू है, ये होता ट्रू।
मतलब किसी भी केस में ये जो है ये इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही ट्रू होगी। तो आप क्या बोलेंगे, आप टोटोलॉजी को डिफाइन करेंगे, एक कंपाउंड स्टेटमेंट, एक कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। ठीक है, ठीक। कंट्राडिक्शन देखते हैं, मान लीजिए हम यहां लिखते हैं पी, थोड़ा कलर चेंज कर लूंगा, आपने यहां लिया पी, ठीक है, और यहां लिखते हैं कंजंक्शन नॉट पी। ठीक है, अब देखिए अगर पी की वैल्यू आप ट्रू भी लेंगे ना, तो नेगेशन ऑफ पी क्या बन जाएगा, फॉल्स, और ये जुड़ा हुआ किससे, कंजंक्शन से। ठीक है, इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसमें एक फॉल्स ही आएगा, फॉल्स, और अगर आप इसको पहले ही में फॉल्स लेते हैं तो एक फॉल्स तो आ ही गया, ये ट्रू होकर भी क्या कर लेगा, ये भी आएगा फॉल्स। मतलब किसी भी केस में ये इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स ही आनी है। तो आप क्या बोलेंगे, एक कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसा लेते हैं, P implies Q, अभी जो हमने लिया, ठीक है, अभी हमने देखा था P implies Q क्या आ रहा था, इसकी चार वैल्यूज बनेंगे, ये फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। ठीक है, इसमें आ रहा था ये ट्रू, इसमें भी आ रहा था ट्रू, इसमें आ रहा था फॉल्स, इसमें आ रहा था ट्रू। तो ना ये हमेशा फॉल्स है और ना ही ये हमेशा ट्रू है, तो आप इसे बोलेंगे कंटीजेंसी। तो आप इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, एक कंपाउंड स्टेटमेंट, अ कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज समटाइम्स ट्रू नॉट ऑलवेज। ठीक है ना, समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स इज कॉल्ड कंटीजेंसी। ठीक है, मतलब ना ही हमेशा ट्रू ना ही हमेशा फॉल्स, तो आप इसे क्या बोलेंगे, कंटीजेंसी। तो आपको क्या क्या याद रखना है, टॉटोलॉजी क्या होता है, ठीक है, टॉटोलॉजी क्या होता है, ए कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। कंट्राडिक्शन या एब्सर्डिटी या फैलेसी क्या होता है, हम लोग ज्यादा ज्यादा बार आपको क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन मिलेगा, एब्सर्डिटी या फैलेसी यूज नहीं करता है, फिर भी आप जान लीजिए बाई चांस अगर आ जाए तो। ए कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। कंटीजेंसी क्या है, ए कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स इज कॉल्ड कंटीजेंसी। ठीक है, अब आपको क्या बोलेगा वो लोग कि चलिए जरा इसको बताइए तो क्या ये टॉटोलॉजी है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन देगा, एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, या बोलेगा आप ट्रूथ टेबल बनाइए इसका, दोनों ही चीजें एक साथ ही हो जाएंगी। तो आपसे क्वेश्चन दो दे रहा है, वो बोल रहा है पी इंप्लाइज क्यू बाय इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू
इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी आपसे पूछा जा रहा है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब बताइए ये टोटोलॉजी है कि नहीं, टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है, कंटीजेंसी है। तो देखिए क्विंस मेथड हम लोग बाद में लगाएंगे, एक तरीका होता है शॉर्टकट का, लेकिन पहले हम लोग अपना बेसिक ठीक कर ले। तो आपको यहाँ कितने वेरिएबल लिख रहे हैं, तो पी और क्यू, तो पी और क्यू आप यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि पी और क्यू के लिए टोटल चार ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले इन कॉम्बिनेशन को लिखिए। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप एक चीज यहां नोट करिए, यहां पे नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी का यूज हुआ है और इसका भी यूज हुआ है, पी इम्प्लीकेशन क्यू का। फाइनली आपको तो इस पूरे का बनाना है ना, तो पहले हम निकाल लेते हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू की ट्रूथ वैल्यू, जो कि हम लोग को पता है अभी आया था। यहां क्या आएगा, ट्रू, यहां क्या आएगा, ट्रू, यहां क्या आएगा, फॉल्स, और यहां क्या आएगा, ट्रू। इसके बाद आप नेगेशन ऑफ क्यू निकालिए, फिर आप नेगेशन ऑफ पी निकालिए। नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब है क्यू की वैल्यू ये है, ये कॉलम, अगर यहां एफ है तो यहां क्या हो जाएगा, टी, अगर यहां टी है तो यहां क्या हो जाएगा, एफ, अगर यहाँ एफ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी, और यहाँ टी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ। सिमिलरली नेगेशन ऑफ पी यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ एफ है तो यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ एफ है तो यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ टी है तो यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ टी है तो यहाँ हो जाएगा एफ, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, अब हम लोग नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहां लिखिए नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है, आप बस ये देखिए इधर कौन है, नेगेशन ऑफ क्यू, इधर कौन है, नेगेशन ऑफ पी। ये फॉल्स कब होगा, जब ये तो ट्रू हो जाए, ये वाला पोर्शन ट्रू हो जाए, ये फॉल्स एक ही केस में होगा, जब ये वाला ट्रू हो जाए और ये वाला फॉल्स हो जाए। आप जेआरएफ तो निकाल लिए लेकिन आपने पार्टी नहीं दी, उसी केस में ये फॉल्स होगा। तो आप देखिए ये ट्रू और ये ट्रू, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू, आप क्या लिखेंगे, ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स, बताइए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। नाउ ये फॉल्स और ये फॉल्स, आप क्या लिखेंगे, ट्रू, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू हमने लिख दी। अब आपके पास इसका भी वैल्यू है और आपके पास इसका भी वैल्यू है, इसका वैल्यू आपके पास यहां पे है और इसकी वैल्यू जो है आपके पास यहां पे है। ये किससे जुड़ा हुआ है, बाय इंप्लीकेशन से। तो आप यहां लिखिए, यहां पे थोड़ा शुरू में मेहनत करिए, तो लिखने से घबराइए नहीं, ठीक है, बाद में आप शॉर्टकट लगा लीजिएगा। नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। अब देखिए ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो हमने बाय इंप्लीकेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम हो, या तो टी टी या तो एफ एफ, Then only it is true. तो ये तो हो गया true. Now ये t है और ये भी true है, ट्री है, मतलब true है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी true. देखिए ये false है और ये भी false है, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी true है, क्योंकि दोनों false false है. Finally ये भी true है और ये भी true है, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी true है, ठीक है। अब इस पूरे फाइनल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, ये क्या आया, ये हमेशा ही ट्रू आ रहा है, ऑलवेज ट्रू। और हमने अभी क्या कहा था, ए कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। तो ये जो है
एक्सप्रेशन पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ये क्या है हमारा, ये टॉटोलॉजी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने बेसिक चीजें नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन, इनके ट्रूथ वैल्यू को कैसे निकालते हैं, टोटोलॉजी क्या होता है, कंट्राडिक्शन क्या होता है, कंटीजेंसी क्या होता है, इन सबको देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, क्योंकि एक बार आप ये कंप्लीट कर लेंगे तब जाके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो प्रीवियस गेट के एग्जाम में आए हुए, नेट के एग्जाम में आए हुए, टीएफआर में आए हुए, जेस्ट में आए हुए, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सो दैट जिसे भी ज़रूरत हो उसे इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।